तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 5 सेमेस्टर सीएससी ब्रांच के सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप बेसिकली पता है कि आपको 5 सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपने सिलेबस भी देखा होगा, सिलेबस देख के आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा जिसको हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो वो पहला सब्जेक्ट आपका है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका है CS501, क्योंकि आप 5 सेमेस्टर में जा चुके हैं। सेकंड आपका सब्जेक्ट है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड, यहां से आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। पहला आपका है डेटा एनालिटिक्स, दूसरा है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, एंड आपका अगला है इसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी। यानी 3 आपके ए बी और सी पार्ट दिख रहे होंगे। इसके कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंदर। अगला जो सब्जेक्ट हम देखते हैं वो सब्जेक्ट है आपका ओपन इलेक्टिव, जिसमें आपका है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसी का एक और पार्ट है, वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने 3rd सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ये उसी का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। अगला है आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें थोड़ी बहुत चीजों को डीपली बताया गया है। क्लियर? अब बारी आता है फ्रेंड कि किस तरह से क्या क्या सिलेबस का एनालिसिस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपका क्या क्या डाउट, क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूनिट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ना है, आप इसको देख लीजिएगा, सिलेबस आपके आरजीपीवी वेबसाइट के इंटरफेस में मिल रहा है। तो फ्रेंड, आपका जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपको पढ़ना है टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें डिफरेंट आपको थ्योरम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो कि सीएस ब्रांच है, उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही ये सारे सब्जेक्ट हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रामर्स है, ग्रामर्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन, रूल्स, मेथड्स पढ़ने हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगला आपका यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ना है। ये सारे टॉपिक है इसके अंदर, आप इन टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आरजीपीवी की वेबसाइट से आप सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था। ओके, अब बारी आता है सेकंड सब्जेक्ट का, जो कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको मन लगा के दिल से आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, अगला क्या है हमारा, अगला आपका है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको डीबीएमएस के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं डीबीएमएस के। डीबीएमएस में बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड, आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। बहुत सारे लेक्चर्स आपको YouTube में मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आप उनको देख सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर भी बने रहते हैं तो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल के साथ ही। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 का, ये कुछ और टॉपिक है, यानी यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है आपका। अगला यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 भी आपका थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप डीबीएमएस सब्जेक्ट की हुई स्टार्ट कीजिएगा। देन आपका अगला सब्जेक्ट आता है फ्रेंड डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला आपका डेटा एनालिस्ट, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है उसको मैं अगर दिखाऊं तो दूसरा सब्जेक्ट आपका है, ये 5वां यूनिट है आपके, आप यहाँ पे देखिए, दूसरा सब्जेक्ट आपका है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे, और ये यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 है इसका। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है वो है साइबर सिक्योरिटी। अब तीनों सब्जेक्ट में से आपको कंफ्यूजन ये होगा क्या हमें तीनों पढ़ना है, नहीं आपको तीनों नहीं पढ़ना है, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर कोई कॉलेज है जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है, कोई दूसरा कॉलेज होगा वो पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ाएगा, तो आप अपने कॉलेज में जाके उसको पता कर सकते हैं कि सर मेरे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे 5 सेमेस्टर में जो आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एक सब्जेक्ट को चुन के उस पर अच्छे कमांड बना सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड आपका ओपन इलेक्टिव है, इसमें भी आपके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में आपको तीनों पार्ट नहीं पढ़ना है,
कोई भी एक ही पार्ट आपको पढ़ना है, एक पार्ट आपका क्या है वो आप अपने कॉलेज में जाके अपने एचओडी टीजी से फैकल्टी से जाके कंसल्ट करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पे बात नहीं है। ओके, यानी कोई भी एक ही आपको पढ़ना है, तीनों नहीं पढ़ने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो आप कॉलेज के पे ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। ओके, मैंने ये पता किया था प्रोसेस, तो मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो आई होप ये सारी डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, तभी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी और फाइव सेमेस्टर के रिगार्डिंग भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।